आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। अगर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर दूसरे जो नॉर्मली ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके मुकाबले इसके अंदर 10% ऑयल रहता है। ये जो ऑयल रहता है ये होता है मिनरल ऑयल, ठीक है, और ये अप टू 132 kV तक इस सर्किट ब्रेकर को आप यूज कर सकते हो। अब हम इस सर्किट ब्रेकर के कुछ पार्ट्स के नाम जान लेते हैं, फिर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला जो चेंबर है, ठीक है, अपर चेंबर, इसे कहते हैं हम सर्किट ब्रेकिंग चेंबर, ठीक है। लोअर वाला जो चेंबर है उसे हम सपोर्टिंग चेंबर कहते हैं, ठीक है। ऊपर देखो एक ब्रीथर कनेक्ट है, ब्रीथर इसलिए यूज किया जाता है कि फ्रेश एयर अंदर आ सके, ठीक है। एक गैस वेंट लगा है, गैस वेंट क्यों लगा है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ऊपर एक आर्क एक्सटेंशन डिवाइस लगा है, ये आर्क को एक्सटेंशन करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये है फिक्स कॉन्टैक्ट, नीचे है मूविंग कॉन्टैक्ट, कैसे काम करता है मैं आगे बताता हूँ। ये ऑपरेटिंग डॉक डायरेक्ट रिले से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट करंट रिले डिटेक्ट करेगा इस रॉड की मदद से इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा, कैसे काम करता है आगे बताता हूँ। नीचे एक ड्रेन वाल्व लगा है, इस ड्रेन वाल्व की मदद से आप अंदर का जो ऑयल है उस ऑयल को आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप आते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। देखो करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिक्स कॉन्टैक्ट से होते हुए मूविंग कॉन्टैक्ट से होते हुए ये बाहर निकल जाता है करंट, ठीक है। अब जैसे ही फॉल्ट करंट डिटेक्ट होगा, जैसे ही रिले फॉल्ट करंट को डिटेक्ट करेगा, ये जो ऑपरेटिंग रॉड है रिले इस ऑपरेटिंग रॉड को नीचे खींचेगा एंड ऑपरेटिंग रॉड मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड, ठीक है। अब जैसे ही रॉड नीचे आएगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट भी नीचे आएगा, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट ये दोनों के बीच में, जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आएगा इन दोनों के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा, जिस आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कम टाइम में इस आर्क को क्विंच करना ज़रूरी है, इसलिए इसके अंदर ऑयल का यूज़ किया जाता है। देखो आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे ही टेम्परेचर इस ऑयल को वेपराइज करेगा तो क्या होगा, इस ऑयल से एक गैस निकलेगा, ठीक है, वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इस आर्क को चारों तरफ से घेर लेगा, घेर कर क्या होगा, आर्क की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेगा ये आर्क तुरंत क्विंच हो जाएगा, ठीक है। अब जो गैस निकला वो गैस क्या होता है, हल्का होता है ऑयल के मुकाबले, एंड जो चीज़ हल्की होती है वो चीज़ ऊपर चली जाती है, तो गैस जैसे ही ऊपर चले जाएगा ये जो गैस वेंट है उस गैस वेंट से गैस बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर ऐसे ही काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता ही रहूँगा।